मेरा नाम डॉक्टर देवांश भल्ला है और मैं राजधानी डेंटल केयर क्लिनिक मेरठ में डेंटल सर्जन हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। वह ये है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मुझसे जरूर ये बात पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो दांत हमारा है जिसमें पेन हो रहा है, इसमें आरसीटी की जगह क्या नॉर्मल फिलिंग की जा सकती है? तो ये सवाल ये है कि कब आपको आरसीटी की जरूरत पड़ेगी और कब फिलिंग की। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस फिगर में ठीक से देख पाए तो इसमें चार स्टेप्स दिखाए गए हैं। इसमें पहला स्टेप जो है, इसमें दिखाया गया है कि दांत की तीन सतहें हैं। पहली सतह इनामिल, दूसरी जो होती है उसे डेंटिन कहते हैं और तीसरी को पल्प कहते हैं। तो जो ये पल्प होती है इसमें दांत की ब्लड वेसल्स यानी कि नसें होती हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो कीड़ा लगा हुआ है इस कोने में जिसे हम केरीज कहते हैं हमारी भाषा में। अगर ये केरीज या कीड़ा खाली ऊपरी सतह तक है सीमित, तो हम इसमें नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद। अगर हम दूसरे में आए तो इसको हम डेंटिन केरीज कहते हैं। इसमें जो कीड़ा लगा है या केरीज है वो पहली और दूसरी सतह तक सीमित है। इसमें भी हम नॉर्मल फिलिंग से काम चला सकते हैं। नॉर्मली पेशेंट को इस स्टेज तक कभी पेन नहीं होता है, बट जब ये थर्ड स्टेज आ जाती है जहाँ तीसरी सरफेस के अंदर कैविटी दिखने लगती है, अगर आप यहाँ देख पाए ध्यान से, तो ऐसे में पेशेंट को पेन होता है, सेंसिटिविटी होती है गर्म से। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो एक लौता विकल्प बच जाता है वह रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर आरसीटी का रह जाता है। इसी में अगर हम इसको अवॉइड करते हैं काफी लंबे समय तक, तो देखने को मिलता है कि जड़ों में पस बनने लगती है जिसको एब्सेस कहते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे भी तीनों सतहों में कीड़ा लगा हुआ है। ऐसे में हम लोगों को जब तीनों सतह इन्वॉल्व हो गई है और कैविटी बड़ी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर बाहर बाहर कैविटी है तो हम नॉर्मल फिलिंग करते हैं, बट अगर तीसरी सतह तक इन्वॉल्व होने लगे तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब यही चीज एक्सरे में कैसे दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है और ये तीसरी है जो आपको ये काली दिख रही है एक्सरे में, ये है वो तीसरी सतह जिस तक कैविटी नहीं जानी चाहिए। अब ये कैविटी आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली, काफी बड़ी कैविटी है। तो जब भी आपका डेंटिस्ट एक एक्सरे लेगा और उसमें ये कैविटी, ये देखिए काले पार्ट से नजर आती है मिलती हुई, वहां पर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम नॉर्मल फिलिंग कर देते हैं तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होने के चांसेस रहते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो हमें ऐसे में नॉर्मल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। धन्यवाद।